नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट में कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के 44 सेट तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसके लिए अलग अलग कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के इस टेंडर में 6 कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें चीन सरकार के स्वामित्व वाली इकलौती कंपनी है जिसमें इसमें रुचि दिखाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के 44 सेट तैयार करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के स्टैंडर्ड में सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, CRRC पायोनियर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड और पावर इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन किया है। ब्रिटेन में विदेशी निवेश के मामले में भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। ब्रिटेन में भारत निवेश करने वाले देशों में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने साल 2019 में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 5429 नए रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया है, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन सरकार की तरफ से जारी की गई है सरकारी आंकड़ों में की गई है। हालांकि अमेरिका अभी भी ब्रिटेन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पहला स्रोत बना हुआ है। अमेरिका ने अब तक 262 परियोजनाओं में निवेश किया है और 20,131 रोजगार सृजित किए हैं। अमेरिका के बाद भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन में निवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 72 परियोजनाओं में निवेश किया है। कोविड-19 वॉरियर्स को राहत देने के लिए IIT दिल्ली के छात्रों ने बनाया खास उपकरण। कोविड-19 के इस माहौल में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी आम नागरिकों को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली के IIT के छात्रों ने एक नया उपकरण बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो N95 मास्क को लगातार 10 इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकती है। मास्क को 10 बार इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए ओजोन बेस्ड डिकॉन्टेमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से N95 मास्क को एक बार इस्तेमाल करने के बाद साफ करके 10 बार और उपयोग किया जा सकता है, जिसका नाम चक्र डिकोप रखा गया है। इस मशीन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लॉन्च कर दिया है। एम्स के निदेशक ने 14 दिनों तक लॉकडाउन लागू करने का जारी किया आदेश। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर से कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए लॉकडाउन को लागू करने का सुझाव पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 को रोकने के लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। छोटे छोटे समय के लिए लॉकडाउन लगाने से इसके प्रसार को रोकने में काफी मदद मिलेगी। बड़े शहरों में अगले कुछ हफ्तों में नए मामलों के बढ़ने में कमी आएगी। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में नए मामलों में कमी आ चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कोविड-19 को के लिए 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरे राज्य में भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एक हफ्ते या 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया एक हफ्ते और कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने अपनी राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया है कि कंटेनमेंट जोन में ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। केरल के विभिन्न इलाके में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से देश या दूसरे राज्यों से आए अब तक के 2400 लोगों को कोविड-19 प्रभावित पाया गया है। वहीं ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया है, जिसके तहत शहर की सभी सड़कों को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला सुनाया गया है। ट्रैफिक नियम की जानकारी अब जल्द ही मिलेगी गूगल मैप के जरिए। अक्सर गूगल मैप रास्ता दिखाने में बेहद ही कारगर साबित होता है, मगर जल्द ही गूगल मैप की मदद से एक और नए फीचर का लाभ उठा सकेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार गूगल ने अपने गूगल मैप ऐप में ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी साझा करने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत के आधार पर गूगल और एप्पल दोनों ही कंपनी अपने मैपिंग ऐप को लगातार अपडेट भी करते रहते हैं। वहीं गूगल की तरफ से जारी किए गए नए फीचर के तहत लोग मौके पर ही तुरंत ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि कोई यूजर जाम में फंसने से बचना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल रेड है या ग्रीन, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। हालांकि अभी यह फीचर टेस्टिंग मोड में चल रहा है, जल्द ही इसे एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए रोल कर दिया जाएगा। बाजार में सोने से लेकर हीरे तक का मास्क कर रहा है ट्रेंड। कोविड-19 के इस माहौल में स्वास्थ्य विभाग ने सभी आम नागरिकों से मास्क के इस्तेमाल पर खास ध्यान देने की अपील की थी, जिसके बाद से अब तक बाजार में कई तरह के मास्क देखे जा सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग से लैस समेत कई तरह के मास्क बाजार में मिलने लगे हैं। कुछ दिनों पहले सोने
सोने के बने मास्क को भी बाजार में देखा गया था। वहीं अब हीरे से जड़ित मास्क भी बाजार में मिलने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत में आभूषणों की दुकान में हीरे जड़ित मास्क बेचे जा रहे हैं। हीरा व्यापारियों ने यह मास्क खासतौर पर विवाह के अवसर पर पहनने के लिए बनाया है। इस मास्क की कीमत 1 लाख से लगभग 4 लाख तक बताई जा रही है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे है कुछ खास। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार अधिक जनसंख्या के कारण कई सारी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई हैं। इस तरह का जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और यही कारण है कि इस दिन को लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें लोगों को याद दिलाया जाता है कि दुनिया में किस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसे रोकना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आम सभा में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से 11 जुलाई को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। विपक्ष ने किया दावा, राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने की हो रही है कोशिश। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस की कुर्सी पर संशय की स्थिति बनने लगी है, और यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत 2 दर्जन विधायकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, जिसके तहत कांग्रेस ने साफ कहा है कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता इस साजिश में शामिल है, जो कांग्रेस के विधायक और समर्थित विधायकों और अन्य से संपर्क करके उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस और उसके समर्थन देने वाले सभी विधायक इस तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। WHO ने की मुंबई के धारावी की तारीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में COVID-19 के संक्रमण पर लगाए गए ब्रेक की सराहना की है, जिसके तहत WHO ने साफ तौर पर कहा है कि धारावी में COVID-19 फैलने से रोकने के लिए किए गए प्रयासों की वजह से आज यह इलाका COVID-19 से मुक्त होने की कगार पर है। इतना ही नहीं, WHO के प्रमुख ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही COVID-19 का प्रभाव बहुत तेज है, फिर भी इसे नियंत्रण में लिया जा सकता है। मुंबई के स्लम एरिया में टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तत्काल इलाज के कारण ही यहां के लोग इस परीक्षा को पास कर पाए हैं। केंद्र सरकार ने शुरू की एक और बड़ी योजना, जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सरकार ने अगले 5 सालों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की है, जो कि देश भर में स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे यह भी बताया है कि सरकार ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन के लिए और साथ ही मछुआरों को ध्यान में रखते हुए मछलियों की वांछित प्रजातियों के उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य कार्य बैंक की स्थापना सरकार करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उक्त बातें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर एक वेबिनार को संबोधित करने के दौरान कही है। COVID-19 के इस माहौल में गेहूं किसानों की आय में हुई बढ़ोतरी। COVID-19 के इस माहौल में गेहूं किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी एजेंसियों ने इस साल किसानों के MSP पर रिकॉर्ड 389.48 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है, जो कि इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर से करीब 8 लाख टन से ज्यादा है। इससे पहले 2012-13 में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 381.48 लाख गेहूं टन की खरीदारी की थी, जिसकी पुष्टि भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट पर की गई है, जहां पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चालू रबी विपणन साल में देश भर में सरकारी एजेंसियों ने 389.48 लाख टन की खरीदारी की है। इतना ही नहीं, COVID-19 के इस माहौल में इस साल करीब 10.72 करोड़ टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के बाद हुई है। 15 को मुकेश अंबानी कर सकते हैं अहम घोषणाएं। 15 जुलाई को अपने 43वें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है। हर साल आयोजित होने वाले वार्षिक बैठक हालांकि इस साल बड़े स्तर पर आयोजित नहीं करवाई जाएगी, मगर उम्मीद है कि जारी किए गए रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में नई योजना और प्रोजेक्ट को दर्शाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस मंच से कंपनी जियोफोन 3, जियोफोन लाइट और जियो मार्ट को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसकी पुष्टि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से साझा की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 15 जुलाई को आयोजित होने वाली मीटिंग दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हवा के कारण COVID-19 संक्रमण फैलने की पुष्टि के लिए WHO ने मांगे साक्ष्य। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर के हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में इस बात का खुलासा किया गया था कि COVID-19 का संक्रमण हवा के माध्यम से फैलने लगा है, जिसकी पुष्टि के लिए WHO ने और साक्ष्य की मांग की है, क्योंकि WHO ने पहले ही साफ कर दिया था कि COVID-19 का संक्रमण हवा के माध्यम से नहीं होता है, यह सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के थूकने
या ड्रॉपलेट से ही सामने वालों के शरीर में पहुंचता है। इतना ही नहीं, WHO ने बीते दिन COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश को जारी कर दिया है, मगर नई गाइडलाइन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा के कोरोना के संक्रमण फैलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन साथ ही कहा है कि इससे इसका पता लगाने के लिए और सबूत चाहिए होंगे। हॉलीवुड में एक्शन फिल्म में काम करने वाले पहले अभिनेता बने रणदीप हुड्डा। बॉलीवुड में फिलहाल भले ही नेपोटिज्म के नाम पर चर्चा जोर शोर से चल रही हो, मगर कई अभिनेता अपने नाम के साथ साथ बॉलीवुड का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। हॉलीवुड में एक्शन में कदम रखने वाले रणदीप हुड्डा ने इस बात का प्रमाण पेश किया है, जिसके बाद रणदीप हुड्डा हॉलीवुड की एक्शन फिल्म करने वाले पहले इंडियन मेल एक्टर बन गए हैं। रणदीप हुड्डा इस ऑफर से बहुत ज्यादा खुश है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन कैरेक्टर में रूढ़िवादी रेफरेंस को तोड़ने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रणदीप नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म एक्सट्रैक्शन में सजू के रूप में हॉलीवुड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ और डेविड हार्बर जैसे स्टार मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।